कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए आप लोग। चलिए आज के क्लास में मजा आने वाला है। क्या कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नीड और आउटडो का यूज। रियल में मजा आने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बतला दे कि नीड का जो कैरेक्टर है वो मिलता जुलता है किससे? डेयर से। डेयर का हिंदी क्या होता है? साहस। और नीड का क्या होता है? जरूरत। कहीं ना कहीं दोनों क्या है? मिलता जुलता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग बनाइए, क्या यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ नीड, हेडिंग बना लिए। नीड का अर्थ क्या होता है? जरूरत। क्या होता है? जरूरत। लिखना है तो लिख लीजिए। जरूरत। अब देखना है कि नीड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ ले। नीड इज यूज्ड एज मोडल वर्ब और मेन वर्ब, सो इट इज कॉल्ड सेमी मॉडल और मार्जिनल मॉडल वर्ब। बात समझ में आ गई? क्या लिखे हैं? नीड इज यूज्ड एज मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब के तरह भी काम करता है और मेन वर्ब के तरह भी काम करता है, इसलिए सो इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सेमी मॉडल या नहीं तो मार्जिनल मॉडल। सेम यही कैरेक्टर था किसके साथ? डेयर के साथ। ऑलरेडी प्रॉपर्टी में भी हम आपको लिखा चुके हैं कि ये दोनों के अंदर कुछ दूसरा कैरेक्टर रहने के कारण इसे ग्रामरियन एक अलग नाम दिया है। क्या अलग नाम दिया है? या तो इसे सेमी मॉडल कह सकते हैं या फिर मार्जिनल मॉडल कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। रूल नंबर वन दीजिए। जनरली नीड इज यूज्ड एज मॉडल वर्ब इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखे हैं? ध्यान से देखिएगा। जनरली नीड का यूज मॉडल की तरह जो होता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। अब यहां एक चीज श्योर हो गए कि अफर्मेटिव में ये कभी भी मोडस वर्ब के तरह काम नहीं करेगा। अफर्मेटिव में ये मोडस वर्ब का काम कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। या फिर एग्जाम्पल ले लीजिए इसी जगह। सी नीड नॉट टू गो दियर, अफर्मेटिव हो गया। दूसरा लेते हैं, नीड सी गो दियर। अब ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस लिखे हैं। सी नीड नॉट टू गो देयर, यानी उसे जरूरत नहीं है वहां जाने की। फिर दूसरा लिखे है क्या, नीड सी गो देयर, क्या
उसे जरूरत है वहां जाने की, तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और दोनों जगह देखिए नीड का यूज हुआ है, और दोनों जगह नीड यहाँ क्या कहलाएगा, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को एमओ भी से इंडिकेट कर रहे हैं, एमओ भी से। अब से ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहे हैं हम कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब का आए कौन, नीड या देयर, सॉरी नीड, तो हमेशा इसे क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये मेन वर्ब भी कहलाता है, लेकिन मेन वर्ब कहलाएगा तो कंडीशन क्या होगा, ये कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके जरूर आएगा। ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके जब आ जाए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब ये मॉडल नहीं कहला के क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आइए एग्जांपल नेक्स्ट रूल लिखते हैं, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू लिखिए, इफ डू डज या फिर डीड इज यूज्ड विथ नीड, विथ नीड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन नीड इज कॉल्ड मेन वर्ब। सिंपल सी बात है, एक लाइन आपको याद रखना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये मॉडल्स भी कहलाता है और ये मेन वर्ब भी कहलाता है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब को लेके नहीं आए, तो ये मेन वर्ब नहीं कहला के क्या कहलाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। अगर ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से लेके आए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मेन वर्ब कहलाएगा। अब आइए एग्जांपल देते हैं, शी डज नॉट क्या लिखे हैं, शी डज नॉट टू हेल्प मी, शी डज नॉट टू हेल्प मी, उसे शी डज नॉट, सॉरी नीड टू कर दीजिए यहां, शी डज नॉट नीड टू हेल्प मी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डज सी नीड टू हेल्प मी। अब यहां देखिए, यहां भी क्या लिखे है, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखे है और एक क्या लिखे है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे है। अब यहां आपको जज करना है नीड के बारे में, है ना, दोनों जगह नीड है। अब देखिए कि नेगेटिव में भी ये क्या किया, हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा डज लेके आया है, और इंट्रोगेटिव में भी ये डज लेके आया है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इस जगह आप इसे क्या कहोगे, मेन वर्ब कहोगे या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहोगे, तो आपको क्या कहना है कि सर ये क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है, क्या कहलाता है, मेन वर्ब। अब तुम्हें एक सस्पेशन होगा, ये टू का लफड़ा ध्यान देना, ये टू का अभी जस्ट हम आपको क्या बोले, चाहे ये मॉडल के तरह काम करे, चाहे ये मेन वर्ब के तरह काम करे, दोनों में टू का यूज हो सकता है। कब, जब क्या हो, नीड के बाद कोई वर्ब हो, तो वर्ब से पहले इंफिनिटिव का यूज करेंगे। यहां भी देखिए, नीड के बाद क्या है, हेल्प वर्ब का वर्ब है, तो वर्ब से पहले हम लोग इंफिनिटिव का यूज करेंगे टू का। अगर मान के चलिए यहाँ कोई नाउन आ जाए, तब हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी बोलो। फिर से बोल देते हैं कि चाहे ये मॉडल के तरह काम करे, चाहे ये प्रिंसिपल के तरह काम करे, टू का यूज इसमें होता है, किसके साथ, नीड के साथ। बस इतना याद रख लेना कि नीड के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, तो वर्ब से पहले इंफिनिटिव टू का यूज होगा, अगर कोई नाउन आ जाए तो नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलो
अब तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सीख गया, अब हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव के साथ इसका क्या कंडीशन है। चलो नीड ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। I need your suggestion I need to help you। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना। दोनों सेंटेंस देखो क्या है, अफर्मेटिव है। I need your suggestion, मुझे जरूरत है आपकी सुझाव का। I need to help you, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब देखने वाली बात है, ध्यान देना, यहाँ टू का यूज नहीं किए, यहाँ टू का यूज कर लिए। सबसे पहली बात तो दोनों वाक्य क्या है आपका, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में इसे हमेशा क्या कहना है बाबू, मेन वर्ब कहना है। अब सवाल आई इस टू का, देखो कि टू क्यों यूज हुआ है। हम अभी जस्ट क्या बोले थे कि नीड चाहे आपका मेन वर्ब की तरह काम करे या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करे, हमेशा ये टू का यूज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले वर्ब। तो जब नीड के बाद वर्ब हो जाए तब आप टू का यूज कीजिएगा। अगर वर्ब के अलावा कुछ भी आ जाए, पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये और क्या है आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इससे पहले टू का यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई नीड टू योर सजेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि योर क्या है, कोई वर्ब नहीं है। बट अगर नीड के बाद वर्ब आ जाए तो टू का यूज कर सकता है। कोई दिक्कत, दोनों चीज सीख गए हम लोग, टू कब लगाना है कब नहीं लगाना है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसे कब मॉडल्स कहेंगे और कब इसे मेन वर्ब कहेंगे। अफर्मेटिव में तो ये हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करता है। समझ में आ गया। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर फोर्थ में। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस will be started with need, then answer in affirmative, with you must and in negative you need not। अब आओ ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं तब हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन है यहां, नीड सी एक क्वेश्चन है, अब आंसर देना है दो। अगर यस कहना है तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट। दूसरा यदि नो कहना है तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट। ये अफर्मेटिव में हो गया, ये तुम्हारा नेगेटिव में हो गया। बात समझ में आ गया होगा। इस तरह का हम लोग पढ़े थे किसके साथ, डेयर के साथ भी पढ़े थे। आओ इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नात्मक वाक्य, विल बी स्टार्टेड यानी शुरू होगा किससे, विथ नीड से। तो देखो यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, नीड से स्टार्ट हुआ है कि नहीं।
स्टार्टेड विथ नीड देन आंसर इन अफर्मेटिव, यदि आंसर तुम्हें यस में देना हो तो क्या लगा के देगा, यू मस्ट, और यदि नहीं में देना है तो क्या करेगा, यू नीड नॉट। बच्चा करता है क्या, हाँ में यू मस्ट और ना में क्या कर देगा, यू मस्ट नॉट कर देगा, लेकिन गलती हो जाएगा। करना है क्या, यदि अफर्मेटिव में देना हो तो यू मस्ट लगा के देना, और नेगेटिव में देना है तो क्या लगा के देना, यू नीड नॉट में देना। अब देखो आंसर यस यानी अफर्मेटिव में हुआ तो क्या लगा के दिए, यू मस्ट। हिंदी समझ लो, क्या उसे उनकी मदद की जरूरत है, यस यू मस्ट, हाँ निश्चित, नो यू नीड नॉट, नहीं। तो नेगेटिव में किस तरह से देना है, यू नीड नॉट से। बात समझ में आ गया, तो यहां हम लोग फिनिश कर रहे हैं किनको, नीड। बात समझ गया, अब आओ लास्ट मॉडल्स है क्या, जिसका नाम है आउट टू। क्या है, आउट टू। अब अच्छे से हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ आउट टू। चलो अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग, यूज ऑफ आउट टू। आउट टू का भी हिंदी क्या होता है, चाहिए। आउट टू का भी हिंदी क्या होता है, चाहिए। फिर ध्यान से सुन लो, आउट टू का कैरेक्टर मिलता जुलता है किससे, सोड से। अब दोनों में कहेगा कि सर दोनों में अंतर क्या, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है सर सिमिलरिटी में किसका यूज करें, तो ध्यान देना आउट टू का कॉमन यूज है, और मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं किसका, सूड का यूज करते हैं इस सेंस में, इसलिए आउट टू पे उतना ध्यान नहीं देना है, आउट टू का जनरली उतना यूज भी नहीं होता है। चलो फर्स्ट में हम लोग इसके बारे में कुछ लिखते हैं, क्या नेगेटिव फॉर्म ऑफ आउट टू इज आउट नॉट टू। ध्यान देना, जब नेगेटिव में यूज करना हो तो ध्यान देना आउट टू नॉट नहीं लिख के क्या लिखना है, आउट नॉट टू लिखना, ठीक है। इस तरह का भी बहुत सारा एरर आता है कंपटीशन एग्जाम में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर वन में, आउट टू इज यूज्ड टू शो द एडवाइस यानी सलाह मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक जिम्मेदारी एंड ड्यूटी। ड्यूटी क्या हो गया, कर्तव्य। अब ध्यान देना कि सेम क्रिटेरिया है इस सेंस में, एडवाइस के सेंस में, मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में, और ड्यूटी के सेंस में हम सूड का भी यूज करते हैं। अब कहेगा कि सर अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो सूट देंगे कि आउट टू देंगे, तो याद रख लेना कि इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो सूट रहेगा या तो आउट टू रहेगा, बाद में की और दूसरा रहेगा, ठीक है। अब दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बेटर कौन होगा, बेटर होगा सूट। क्या होगा, सूट। अब आओ एग्जाम्पल लेते हैं, द चिल्ड्रेन ought not to watch TV so long। अब ध्यान देना, the children ought not to watch TV so long। बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो ऑलरेडी क्या हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइस हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब इसका एग्जाम्पल आगे लेते हैं हम लोग, लिखते चलो फटाफट, फिर दिक्कत होता है अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करते चले जाओ, फिर आपको आंसर आपका डाउट क्लियर होते चला जाएगा। वी आउट टू केयर आवर पेरेंट्स, ध्यान देना, वी आउट टू केयर आवर पेरेंट्स,
हम लोगों को अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। तो ये क्या होगी आपका ड्यूटी की मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, नैतिक जिम्मेदारी। ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हुआ, क्या हो गया, मॉरल ऑब्लिगेशन। चलिए, वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड इन नीड। हम लोगों को अपने दोस्तों को मदद करनी चाहिए, कब, जब उन्हें जरूरत हो। यानी जरूरतमंद दोस्तों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये आपकी क्या हो गई, ड्यूटी हो गई। ये ड्यूटी हो गया, ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया। बात समझ गए। और फर्स्ट जो एग्जांपल था वो क्या था, आपका एडवाइस था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर टू में। आउट टू इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो लिख लेना। आउट टू प्लस हैव प्लस भी थ्री। अगर ये परफेक्ट टेंस के साथ यूज होगा तो इनका स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक चीज तुम लोग नहीं पूछा, हम बतला देते हैं। जितने भी मॉडल्स अगर परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो ध्यान देना, हैज का यूज कभी नहीं करना। कभी भी हैज का यूज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, हैव का यूज होगा। चाहे सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का क्यों ना हो, मॉडल्स के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का देना है, हेल्पिंग वर्ब देना है परफेक्ट टेंस का। अब ध्यान देना कि परफेक्ट टेंस में ये किस सेंस को दिखाता है, जो काम होना चाहिए था लेकिन काम नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए था लेकिन वो काम नहीं हुआ, ऐसे सेंस में सदैव हम लोग परफेक्ट टेंस के साथ आउट टू का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सी आउट टू हैव इनवाइटेड मी इन द फंक्शन बट डिड नॉट इनवाइट मी। ध्यान देना, सी आउट टू हैव इनवाइटेड मी, इस तरह का स्ट्रक्चर देखो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आउट टू प्लस हैव प्लस भी थ्री। ठीक है, सी आउट टू हैव इनवाइटेड मी, उसे मुझे इनवाइट करना चाहिए था, कहाँ, फंक्शन में। उसे मान के चलो, ऐसा एग्जांपल देते हैं कि तुम्हें मुझे इनवाइट करना चाहिए था। इसका अर्थ यह हुआ कि आप मुझे इनवाइट नहीं किए, आपको राम को इनवाइट करना चाहिए था शादी समारोह में। इसका अर्थ हो गया कि आप इनवाइट नहीं किए। क्या बोले थे कि जब परफेक्ट टेंस में आउट टू का यूज होता है तो ये हमेशा कैसा सेंस को दर्शाता है, कि जो काम होना चाहिए लेकिन वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो क्या लिखे हैं, सी आउट टू हैव इनवाइटेड मी इन द फंक्शन, उसे मुझे फंक्शन में आमंत्रित करना चाहिए था लेकिन क्या की, बट डिड नॉट इनवाइट मी। बात समझ में आया, या और एग्जांपल ले। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लास्ट रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, किसका, आउट टू का। पूरे मॉडल्स में आउट टू ही एक ऐसा मॉडल्स है जो कि किसी भी टेंस में यूज कर सकता है, प्रेजेंट में भी कर सकता है, पास्ट में भी कर सकता है और फ्यूचर में भी कर सकता है। तो चलो अब आगे लिखते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड। आउट टू इज यूज्ड इन ऑल टेंसेस। ऑल टेंसेस बोले तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब एग्जाम्पल लेते हैं,
आई आउट टू टॉक हिम टूडे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई आउट टू टॉक टू हिम यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो आई आउट टू हैव किल्ड हिम। अब ध्यान देना यहां क्या लिखे हैं, आउट टू इज यूज्ड इन ऑल टेंसेस। आउट टू का यूज आप सभी टेंस के साथ कर सकते हैं, पूरे मॉडल्स में ये एक क्या है, एक लौता कहो कि किसी भी टेंस में इसका यूज हो सकता है। देखो बारीकी से तीनों एग्जांपल में दिखाए हैं कि किस तरह से प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज होता है। अब ध्यान देना, आई आउट टू टॉक टू हिम टूडे, मुझे आज उनसे बात करनी चाहिए, आज मुझे बात करनी चाहिए, तो ये किस टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस को। दूसरा एग्जांपल लो, आई आउट टू टॉक टू हिम, यहां यस्टरडे नहीं करके आप टुमोरो लगा दीजिए, क्या लगा देना है, टुमोरो। मुझे आई आउट टू टॉक टू हिम टुमोरो, मुझे कल उनसे बात करनी चाहिए, ये सेंटेंस क्या दर्शाता है, फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट, आई नो मैं जानता हूं, आई आउट टू हैव किल्ड हिम, मुझे उसे मार देना चाहिए था, ये किस टेंस को दर्शाता है, पास्ट टेंस को। यहां आज की क्लास में हम लोग टोटल मॉडल्स को फिनिश कर दिए, आई होप कि 20 डेज लगभग लगा हम लोग टोटल मॉडल्स को फिनिश करने में, और नंबर ऑफ मॉडल्स कितनी है आपकी, 13, और इसको हम लोग फिनिश किए आज। और कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है कि सर कल कुछ एक्सरसाइज हो जाए, तो कल का लाइव क्लास में क्या होगा, एक्सरसाइज होगा, वो भी बिहार बोर्ड मॉडल। आप फिर देखिएगा कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं क्या कि मॉडल्स क्या है, एज ए प्रीपोजिशन की तरह है, सिक्वेंशियल डिफरेंट है, आप कंफ्यूज कर जाते हो कि सेम सेंस में बहुत सारा मॉडल्स का यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से लगाना है। तो कल की क्लास में क्या होगा, आपका एक्सरसाइज होगा और परसों आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। सो गाइज, यू मस्ट बी केयरफुल एंड यू रीड द अटेंटिवली एंड यू कमांड एंड कवर ऑल द रूल्स एंड डेफिनेटली आई होप आई एक्सपेक्ट ओवर यू यू कैन अचीव द गुड मार्क्स and best of luck for your coming exam. Bye all of you.